मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में बड़ा हादसा। आधी रात दर्शन के लिए मंदिर में कैपेसिटी से ज्यादा पहुंचे श्रद्धालु, दम घुटने से दो की मौत। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू, द खबरदार न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में हादसा हो गया। शुक्रवार रात 2 बजे मंगला आरती के समय भीड़ में दबकर 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इनकी मौत दम घुटने से हुई। 6 श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि हादसे के वक्त अफसर मंदिर की छत पर बनी बालकनी से परिवार को वीआईपी दर्शन कराने में व्यस्त थे। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में रात 12 बजे श्री कृष्ण का अभिषेक किया गया। इसके बाद ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार हुआ। इस दौरान कपाट बंद थे। भक्त मंदिर की आंगन में इकट्ठा होते रहे। 1:45 पर कपाट दोबारा खोले गए। इसके बाद 1:55 में मंगला आरती शुरू की गई। मंदिर के आंगन में एक साथ करीब 800 भक्त आ सकते हैं। अनुमान है कि यहां से क्षमता से कई गुना ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए। भीड़ अधिक होने की वजह से कुछ श्रद्धालुओं का दम घुटने लगा। सांस लेने में दिक्कत होने के बाद नोएडा सेक्टर 99 की रहने वाली महिला निर्मला देवी और वृंदावन की भोले राम कॉलोनी रुकमणी बिहार के राम प्रसाद विश्वकर्मा की सबसे पहले तबीयत बिगड़ी। रेस्क्यू टीम अस्पताल लेकर जा रही थी, मगर उन्होंने वहीं पर दम तोड़ दिया। राम प्रसाद मूल रूप से जबलपुर के रहने वाले हैं। मंदिर में जिस समय हादसा हुआ उस समय डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त समेत पुलिस बल मौजूद था। कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें अफसर अपने परिवार के लोगों को मोबाइल पर वीआईपी दर्शन कराते हुए दिखा रहे थे। अफसर छत पर बनी बालकनी में है जबकि नीचे भक्त धक्का देकर अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। हालात बिगड़ने के बाद पुलिस और पीएसी के जवानों ने बेहोश हो रहे लोगों को मंदिर से निकालना शुरू किया। श्रद्धालुओं को वृंदावन के रामकृष्ण मिशन अस्पताल, ब्रज हेल्थ केयर और 100-बेड हॉस्पिटल भेजा गया। बांके बिहारी मंदिर में 2 एग्जिट गेट है, 1 नंबर और 4 नंबर। सबसे पहले 4 नंबर गेट पर एक श्रद्धालु दम घुटने से बेहोश हो गया। उसे पुलिस कर्मी बाहर निकाल ही रहे थे कि मंदिर से निकलने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक जमा हो गई। कुछ श्रद्धालुओं को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी और महिला बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद कुछ और श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ने लगी। एसएसपी बोले कैमरे में लगे हैं, वीआईपी दर्शन रिकॉर्ड हुआ होगा। बांके बिहारी मंदिर के सेवादारों का दावा है कि अफसर वीआईपी व्यवस्था में व्यस्त रहे। अफसरों के परिवार के लोग छत पर बनी बालकनी में दर्शन कर रहे थे। ऊपर मंजिल के गेट बंद कराए गए थे। 2 बजे मंगला आरती शुरू होने के बाद भक्तों का दबाव बढ़ा, लोग बेहोश होने लगे तो बचाव में दिक्कत आई। इस मामले में एसएसपी अभिषेक यादव का कहना है कि मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, अगर ऐसा होगा तो कैमरे में सब रिकॉर्ड हुआ होगा। हादसे के बाद अस्पताल पहुंचे परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शवों को ले गए। एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है, जिनकी तबीयत बिगड़ी है उनका इलाज चल रहा है। बड़ी संख्या में ऐसे श्रद्धालु हैं जो मंदिर परिसर से बाहर निकलने के 30 मिनट बाद राहत महसूस करने लगे, उन्हें घर भेज दिया गया है। मंदिर के सेवायत श्री गोस्वामी जी ने बताया कि ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती की परंपरा नहीं है। यहाँ ठाकुर जी बाल स्वरूप में है और रात को निधि वन में रास रचाने जाते हैं, इसलिए उन्हें उठाया नहीं जाता है। ठाकुर जी की मंगला आरती साल में सिर्फ एक बार जन्माष्टमी के दिन होती है। इस दिन कान्हा ठाकुर बनकर रात में भक्तों को दर्शन देते हैं। हादसे के वक्त भी 1:55 पर मंगला आरती हो रही थी। इसके बाद कुछ समय के लिए पट बंद किए गए थे। इस दरमियान क्षमता से अधिक भक्त मंदिर परिसर में इकट्ठा हो गए। 7 बजे हादसे के बाद भी भक्तों का आना जाना जारी रहा, मगर प्रशासन की बद इंतजामी भी नजर आ रही है। बांके बिहारी मंदिर के गेट नंबर 4 और 5 की तरफ जाने वाली गलियों में बल्लियां बांधी गई, इससे श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही थी। देखिए इस वीडियो में श्रद्धालु अपनी जान बचाने के लिए कैसे तड़प रहे हैं। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।